हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने फिजी के बारे में दो वीडियो बना के डाल रखा है, तीन वीडियो बना के डाल रखा है। एक मैंने आपको बताया फिजी इमिग्रेशन के बारे में, एक मैंने आपको बताया फिजी का वीजा कैसे ले सकते हो, वीजा इमिग्रेशन कैसे ले सकते हो। एक वीडियो बना के डाल रखा था कॉस्ट ऑफ लिविंग फिजी के बारे में। अगर आप फिजी जा रहे हो तो आपका कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा आपका आएगा, कितना एक्सपेंस होगा, तो काफ़ी कुछ मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया था। और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी लाइक किया, काफ़ी शेयर किया, उसके लिए मैं आप सबको पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपको बना रहा हूँ, उस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ वो फिजी की मैं ब्यूटी दिखाना चाहता हूँ, फिजी का नेचर दिखाना चाहता हूँ, फिजी का एनवायरनमेंट दिखाना चाहता हूँ कि वाकई में फिजी कितना खूबसूरत है। एक छोटा सा आइलैंड है जो कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो पसंद किया वैसे इस वीडियो को पसंद करोगे, इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपसे और भी शेयर करना चाहता हूँ कि इम्प्रूव करना चाहूँगा, तो अगर आपको भी चलना है तो आप लोग मुझे ईमेल करिए या मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसका आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने फिजी की वीडियो देखना है, फिजी के नेचर को देखना है, फिजी जाना है, घूमना है, एक्सप्लोर करना है, तो वो इस वीडियो को देखे और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, देखिए फिर फिजी के बारे में कैसा फिजी है आपको मैं दिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं फिजी की ये वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और आपको इस सिलसिले के लास्ट तक देखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप ये जो शहर देख रहे हो, उस शहर का नाम है बाटाउन। बाटाउन बहुत ही खूबसूरत शहर है। और फिजी के बारे में बताना चाहता हूँ, फिजी में केवल एक कैपिटल है, बाकी सारे टाउन हैं। बाटाउन, नानी टाउन और आपका लोटोका, सिंगाटोका, कई सारे वहाँ पर टाउन एरिया हैं। सबसे बड़ा टाउन एरिया है वो लोटोका है। और जो फिजी में जो बसें चलती हैं, उन बसों में शीशा नहीं लगा रहता है, क्योंकि फिजी बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये जो आप ग्रीनरी अगर आप देख रहे हो, अगर आपको माउंटेन देखना है और ग्रीनरी देखना है, नेचर देखना है, पेड़ों को देखना है, आपको जंगल से प्यार है, आपको ग्रीनरी देखना है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर फिजी आ पा रहे हो तो आप बाटाउन ज़रूर जाइए। और आप जो स्टैचू सामने किसान की स्टैचू के बारे में आपको बताता हूँ। ये किसान का स्टैचू बाटाउन के मेन चौराहे पे आपको मिलेगा। जब बाटाउन में एक रिवर पड़ता है, उस रिवर के पास एक गाँव है जो फिजियन लोगों का गाँव है, जिसमें आप एंट्री करोगे $25 आपको देना पड़ेगा। उस गाँव को आप देख सकते हो, उस गाँव के कल्चर को देख सकते हो। उसके बगल में एक रिवर है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उस रिवर में आप नहा सकते हो, बहुत ठंडा पानी है। ये जो आपको जो किसान दिख रहा है, किसान की कहानी ये है कि इंडिया से बहुत सारे
जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, बहुत सारे अंग्रेज़ जब इंडिया में रहते थे तो इंडिया से बहुत सारे लोगों को लेके गए काम कराने के लिए, खासकर यूपी और यूपी के लोग और बिहार के लोग को लेके गए फिजी काम कराने के लिए। और वहाँ पे वो लोग, उन लोगों ने काम किया, मजदूर वहाँ पे मजदूरी की, और फिर वो लोग थोड़ा सा उन लोगों को अच्छा लाइफ मिला। तो एक तो इंडिया से बहुत दूर था, तो फिजी के बहुत सारे लोग फिजी में ही रह गए, वापस वो इंडिया नहीं आ पाए। तो आज भी फिजी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। फिजी की तीन ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक फिजियन। तो आप फिजी के किसी भी टाउन में आप जाओगे तो आपको हिंदी की कोई दिक्कत, हिंदी की कोई परेशानी नहीं होगी, हिंदी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर दुकान पे, हर शॉप पे, मार्केट में, अस्पताल में, हर कहीं आपको हिंदी मिलेगा। तो मोस्टली जो फिजी में लोग गए थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम, वो यूपी और बिहार के लोग थे। तो यूपी बिहार की जो लैंग्वेज है वो यूपी वो हिंदी है, हिंदी लोग यहाँ के यहाँ बोलते थे। तो फिजी आप जाओगे तो यहाँ पर अधिकतर स्पीकर जितने भी लोग आपको मिलेंगे बोलते हुए वो हिंदी में बोलते हैं। तो फिजी में हिंदी बहुत ही कॉमन है। और जो रिवर आप सामने देख रहे हो, ये रिवर फिजी में एक बिलस पड़ता है बाटाउन में, और ये बहुत ही अच्छा नदी है। इस नदी में आप आके नहा सकते हो, इसका पानी बहुत ठंडा है और बहुत ही अच्छी जगह है। और साथ ही बगल में एक बिलज है, उस बिलज में आप जाओगे वहाँ घूमने के लिए $25 आपको देना पड़ेगा। लेकिन $25 आप फिजियन दोगे तो आपका अदा हो जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत ही खूबसूरत बिलज है। वहाँ के जो लोकल फिजियन लोग हैं उनके बारे में आप जानोगे, उनके बिलज को आप देखोगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। तो आप जब फिजी आइएगा तो आप बाटाउन भी ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि मैंने बाटाउन घूमा और बाटाउन भी बाटाउन बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। सुवा सिटी में हूँ। सुवा सिटी जो है, सुवा ये फिजी का कैपिटल है, फिजी की राजधानी है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिस्टम से यहाँ पे एक एक चीज़ है। लोग बहुत ही ट्रैफिक नियमों का बहुत पालन करते हैं। ये सामने आप सी पोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपको सीप मिलेगा और यहाँ से सामान आप कार्गो कर सकते हो किसी और कंट्री के लिए। बहुत सारा सामान यहाँ पे दूसरी कंट्री से यहाँ सामान आता है। यहाँ पे लोग बैठ के यहाँ पे लोग आते हैं, शाम को बैठते हैं, देखते हैं, और यहाँ से आपको फिजी में सुवा सिटी का व्यू बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। तो इस पोर्ट पे आप आके बहुत इंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छे से बैठ सकते हो और यहाँ पे पूरा आप मज़ा ले सकते हो। और मैं सुवा सिटी की बात करता हूँ, सुवा सिटी बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और अगर सिटी में कोई सबसे बड़ी सिटी है तो सुवा सिटी ही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज, हिंदी बोली जाती है, हिंदी आपका हाजिर गाँव यहाँ पे रहेगा। तो आप अगर फिजी आते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुबह आइए, सुबह में एक चर्च है वहाँ जाइए, और सुबह में एक मंदिर है वहाँ जाइए। तो सुबह घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे कई सारे घूमने वाले प्लेस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा।
ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये जो नीला नीला पानी आपको दिख रहा है, ये धनरू आइलैंड है। और मैं धनरू आइलैंड आप जाइए, लेकिन धनरू आइलैंड में होटल बहुत महंगा है, तो आप घूमने जा सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ स्टे करोगे तो आपका एक रात का आपको 25 से 30 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि होटल बहुत एक्सपेंसिव है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ में। बाय, टेक केयर।